दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमीर और केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एबी टॉक के एक और नए एपिसोड लेकर, और इस एपिसोड में मैं आपको 24 नवंबर 2017 यानी कि कल केरला ब्लास्टर और जमशेदपुर एफसी के बीच जो मैच होगा उस मैच के लिए दोनों टीमों का जो लाइनअप हो सकता है वो बताने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ ही इस हफ्ते का जो ISL का पॉइंट टेबल का हाल है वो भी बताऊँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आया है ISL से जुड़े वो भी बताऊँगा। तो जानने के लिए वीडियो द लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए मैं आपको पहले केरला ब्लास्टर के लाइनअप के बारे में बताऊंगा। तो केरला ब्लास्टर के गोलकीपर रहेगा पॉल रिचब का, इनके अलावा टीम में होगा रियो एंटो, संदेश जिंगन, वेस ब्रॉन, लालू अट्रा, सायम हंगन, मिलन सिंह, करेज पिकसन, योन ह्यूम, सीके भिनीत और डिमिटर बारबाटव। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जमशेदपुर एफसी के लाइनअप के बारे में। तो जमशेदपुर एफसी का फॉर्मेशन होगा 4-3-3 और इनका गोलकीपर होगा सुब्रत पाल, और इनके अलावा टीम में होगा सौभिक घोष, अनास त्री, सौभिक चक्रवर्ती, मेहताब हुसैन, मीमो, ट्रिनिडाड गन क्लब, सेमिक ड्यूटी, कैनवेंस बेलफ्रंट और विकास जायडू। तो ये था ये दो टीमों का प्रिक्टिक प्लेन 11 24 नवंबर 2017 यानी कि कल के मैच के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दो टीमों के विनिंग चांसेस के बारे में। तो दोनों टीमों का खिलाड़ी के जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो केरला की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है जमशेदपुर एफसी के तुलना में। हालांकि जमशेदपुर का टीम भी उतना ख़राब नहीं है, इस बार ISL के टॉप 5 टीम में से एक है जमशेदपुर एफसी, और वो भी स्ट्रांग टीम है लेकिन केरला से ज़्यादा नहीं है। तो केरला का पल्ला अभी इस वक्त भारी है। केरला अगर पिछले मैच यानी कि जो ATK के साथ हुआ उस तरह से अगर परफॉर्मेंस करे तो जमशेदपुर भी केरला के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी दोनों टीमों के खिलाड़ी को देखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन है कि केरला का जीतने का चांस है 70% और जमशेदपुर FC का 30%। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है फील्ड के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो चलिए अब देखा जाएगा कल क्या होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ISL से जुड़े इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में। तो पहला खबर है ATK और केरला ब्लास्टर का जो इस बार का ISL ओपनिंग मैच हुआ था उसके TV इम्प्रेशंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 के इंडिया वर्सेस USA ओपनिंग मैच से डबल था। ISL ओपनिंग मैच का टोटल TV इम्प्रेशन था 25 मिलियन जो पिछले साल के मुकाबले 59% ज़्यादा था, और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप से डबल। अगर ISL के जो 4 साल हुआ है उसका अगर ओपनिंग मैच का जो TV इम्प्रेशन एवरेज किया जाए तो टोटल एवरेज जो होता है वो होगा 7.4 मिलियन। इसके बाद खबर है कि बेंगलुरु FC ने कर दिया है एक और नया किट लॉन्च, यानी कि नया जर्सी लॉन्च कर दिया है बाहर खेलने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा किट, और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के सबसे इंटरेस्टिंग खबर। एक भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ दिया है मेसी और रोनाल्डो का रिकॉर्ड। हाँ, एक इंडियन प्लेयर ने तोड़ दिया है फुटबॉल एक्सपर्ट मेसी और रोनाल्डो के रिकॉर्ड। ISL में इस साल दिल्ली डायनामोज की तरफ से खेलते हुए ललियन ज्वेलर चंद ने 22 नवंबर 2017 दिल्ली डायनामोज वर्सेस FC पुणे सिटी के मैच में एक शानदार जबरदस्त स्पीड से गोल लगाकर मेसी और रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छोंग्ट ने इस मैच में एक ज़बरदस्त स्पीड से गोल लगाया और बना दिया है एक रिकॉर्ड। इनका गोल लगाने का स्पीड था 35.80 किलोमीटर पर घंटे, और अब ये गोल शामिल हो गया है विश्व के सबसे तेज गोल के लिस्ट में। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रोनाल्डो ने सबसे तेज गोल लगाया था 33.6 किलोमीटर पर घंटे, और मेसी ने सबसे तेज गोल लगाया था 32.5 किलोमीटर पर घंटे तेजी से, जो छोंगटे के स्पीड से कम है। तो छोंगटे मेसी और रोनाल्डो से स्पीड के मामले एक कदम आगे आ गया है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विश्व के सबसे तेज गोल लगाया था वेल्स के कार्डिफ के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने। उनका स्पीड था 36.9 किलोमीटर
पार घंटे। और छोंगटी के बाद इस मैच में ही मतियास मिराबजी ने भी एक जबरदस्त गोल लगाया था, जो बहुत ही टेक्निकली और वेल बैलेंस गोल था, देखकर मजा आ गया, काबिले तारीफ गोल लगाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर हॉटस्टार पर जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको जबरदस्त लगेगा। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि छोंगटी के इस कारनामे से आप कैसे फील कर रहे हो, जरूर मुझे आप कमेंट में बताइए इसके बारे में। तो आज इतना ही खबर था दोस्तों ISL से जुड़े, और आपको मैं आप देखा देता हूँ कि ISL का जो पॉइंट टेबल का हाल है आप खुद ही देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट के साथ बेंगलुरु एफ सी सबसे ऊपर है, उसके नीचे है दिल्ली डायनामो 3 पॉइंट के साथ। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, कुछ देर में आपको दिखा देता हूँ ये। और आप चाहे तो ISL ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पर रोज़ अपडेट मिलेगा जो पॉइंट टेबल होगा ISL का। तो आप ज़रूर उस ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले।